हेलो एवरीवन। तो मैराथन सीरीज की पहली वीडियो आई होप आप लोगों ने देख ली होगी। तो ये मैराथन सीरीज की हमारी दूसरी वीडियो है और मैं आपको फिर से बता दूं कि मैराथन सीरीज का टारगेट एक ही है कि एक वीक के अंदर पूरा एक सिस्टम हमें खत्म करना है, एक वीक के अंदर। ठीक है, एक वीक से ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं। एक बार कम से कम पूरे सब्जेक्ट का हमें ओवरव्यू मिल जाना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, जिससे ज्यादा वीडियो यूट्यूब सर्चिंग लिस्ट में ये ऊपर आ सके, क्योंकि अभी चैनल नया है तो आप लोग ग्रो करने में हेल्प करेंगे तभी ये चैनल ग्रो हो सकता है। तो इस पूरे सिस्टम में मैं आपके साथ हूँ, तो इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं अपना दूसरा टॉपिक बिना टाइम खराब किए हुए, क्योंकि हम किन सी रेस में दौड़ रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं मैराथन में। ठीक है, तो स्पीड मैटर करेगी, लंबी दूरी तय करनी है इसीलिए सब कुछ मैटर करेगा। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हॉर्मोन्स। तो हमने एंडोक्राइनोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, अब हम हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। और हॉर्मोन्स टॉपिक जब हम पढ़ते हैं तो हॉर्मोन्स टॉपिक में हमको क्या याद रखना है, बेसिकली हमको याद रखना है कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो एक तो हमें केमिस्ट्री ऑफ हॉर्मोन समझना है, एक हॉर्मोनल एक्शन समझना है और मैकेनिज्म ऑफ हॉर्मोनल एक्शन समझना है। ठीक है, यानी किस तरीके से हॉर्मोन एक्शन करते हैं, दूसरा हॉर्मोन के क्या एक्शन होते हैं और केमिस्ट्री के बेसिस पर हार्मोन को कितने उसमें डिवाइड किया जा सकता है। जैसे केमिस्ट्री के बेसिस पर तीन तरीके के हार्मोन हो सकते हैं, या तो स्टीरॉयड होगा या प्रोटीन होगा या टायरोसिन डेरिवेटिव होगा। अगर मैं हार्मोनल एक्शन की बात करूं तो क्या होगा, इसमें पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे और फिर हार्मोन के रिसेप्टर को देखेंगे, कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं। उसके बाद मैकेनिज्म में देखेंगे कि हम किस किस तरीके से हार्मोन के एक्शन हमारी बॉडी पर होते हैं, क्या क्या मैकेनिज्म होते हैं, बाय ऑल्टरिंग द परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कि जैसे कोई हार्मोन परमेबिलिटी को चेंज करके एक्ट करता है, कोई एक्टिवेट करता है इंट्रासेल्युलर एंजाइम्स को और कोई डायरेक्ट हमारे जीन्स पर अटैक करता है और उस जीन्स के थ्रू हमें हमारे अंदर फंक्शन शो करेगा अपना। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। चलिए अब देखते हैं एक करके पूरा डिटेल। तो यहां पर हमारा पहला टॉपिक कौन सा था, केमिस्ट्री ऑफ हार्मोन। चलिए समझते हैं इसको। द हार्मोन आर केमिकल मैसेंजर, पहले ही क्लियर हो चुकी है ये बात, सिंथेसाइज बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। फर्स्ट वीडियो में आपको ये पूरी बातें ठीक से क्लियर हो चुकी हैं। बेस्ड ऑन द केमिकल नेचर हार्मोन्स कैन बी ऑफ थ्री टाइप, स्टीरॉयड हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन और डेरिवेटिव्स ऑफ अमीनो एसिड्स कॉल्ड टायरोसिन। टायरोसिन आपको पता है अमीनो एसिड है। ठीक है, एसेंशियल है, नॉन एसेंशियल है, बताइए। ये नॉन एसेंशियल है, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में आता है। ठीक है, अमाइनो एसिड नॉन एसेंशियल है ये। ठीक है, ठीक है, इसके बाद आता है, इसमें सबसे पहली जो हमारी टाइप पढ़ते हैं वो है स्टीरॉयड हार्मोन। तो स्टीरॉयड हार्मोन्स आर द हार्मोन्स सिंथेसाइज फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल और इट्स डेरिवेटिव। यानी ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, लिपिड होता है हमारा। तो अब आप समझिए कि सारे कोलेस्ट्रॉल हमारी डाइट में खराब नहीं होते, हमको अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलेंगे तो हमारे स्टीरॉयड हार्मोन बनना बंद हो जाएंगे, समझ में आ रहा है। तो कोलेस्ट्रॉल डाइट में होना चाहिए, लेकिन हमको ये समझना होना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल कौन सा वाला। तो कोलेस्ट्रॉल के टाइप पर आप स्टडी करिए कि कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल कौन सा है, बैड कोलेस्ट्रॉल कौन सा है। ठीक है, तो इट्स डेरिवेटिव। स्टीरॉयड हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स, गोनाइड एंड प्लासेंटा। तो स्टीरॉयड हार्मोन जनरली हमारे सेक्स ऑर्गन्स वाले कंपोनेंट से मिलते हैं। तो सेक्स ऑर्गन वाले कंपोनेंट में कौन आता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स में सेक्स कॉर्टिकॉइड्स होते हैं, गोनेट्स हो जाते हैं ओवरी और टेस्टिस, और प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर स्पेशलाइज ग्लैंड बन जाती है, दैट इज कॉल्ड प्लासेंटा। ठीक है, तो यहां पर देख लेते हैं स्टीरॉयड हार्मोन की कैटेगरी में कौन कौन से हैं, इसको देख लेते हैं जल्दी से। तो यहां पर हम देखते हैं एल्डोस्टेरोन कहां से रिलीज होता है आपका, एड्रिनल कॉर्टेक्स से। 11 डिओक्सी कार्टिकोस्टीरोन, कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टीरोन, टेस्टोस्टीरोन, टेस्टिस से डाइहाइड्रो टेस्टोस्टीरोन, टेस्टिस से डीहाइड्रो एपी एंडोस्टीरोन, टेस्टिस से एंडोस्ट्रेडियोन, ये भी एस्ट्रोजन, ओवरी से प्रोजेस्ट्रॉन, ओवरी से और प्लासेंटा से। ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन दोनों प्लासेंटा से भी रिलीज होते हैं और ओवरी से भी। तो ये सारे हार्मोन जितने भी हैं आप देखोगे तो ये सेक्स ऑर्गन्स के डेवलपमेंट से रिलेटेड होते हैं, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। यानी रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड ज्यादातर हार्मोन, ज्यादातर सारे नहीं, मैक्सिमम। मैक्सिमम कैसे हैं, स्टीरॉइड्स। ठीक है, दूसरी जो हमारी कैटेगरी थी वो थी प्रोटीन हार्मोन।
ये देखिए यहां पर ये हम देखते हैं प्रोटीन हार्मोन्स। तो प्रोटीन हार्मोन में क्या है, प्रोटीन हार्मोन्स आर लार्ज और स्मॉल पेप्टाइड्स, ठीक है, छोटी चेन्स को हम पेप्टाइड बोलते हैं। प्रोटीन हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैनक्रियास एंड प्लासेंटा। तो प्रोटीन के लिए पी याद रखिए, निमोनिक P4, ठीक है, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायरॉयड, पैनक्रियास एंड प्लासेंटा। तो प्रोटीनियस हार्मोन कहां से निकलेंगे, इन चार ग्लैंड से निकलते हैं और चारों का नाम पी से ही शुरू होता है, ये आपको याद रखने वाली बात है, ठीक है। इसके बाद आपके कौन से होते हैं, टायरोसिन डेरिवेटिव। टायरोसिन मैंने बताया क्या है, ऐसे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स है, इससे टू टाइप ऑफ हार्मोन निकलते हैं, एक तो थायरॉयड हार्मोन याद कर लीजिए और एड्रिनल मेड्यूलरी हार्मोन, बोथ ड्राइव फ्रॉम द अमीनो एसिड टायरोसिन, ठीक है। तो कौन कौन से, आपका थायरॉयड हार्मोन और एड्रिनल मेड्यूलरी हार्मोन, तो ये आपको याद रखना है। तो अगर आप ये दो याद रख लेंगे तो बाकी स्टीरॉयड में आप एक बेसिक सा निमोनिक याद रख लो कि रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड ज्यादातर हार्मोन कैसे है हमारे, प्रोटीन बेस्ड, नहीं ज्यादातर कैसे हमारे, स्टीरॉयड बेस्ड। प्रोटीन बेस्ड हार्मोन हमारे कौन सी ग्लैंड से निकलते हैं, चार ग्लैंड है, कौन कौन सी, जो पी से स्टार्ट होती है, आपकी पिट्यूटरी है, पैराथायरॉयड है, पेनक्रियास है और प्लासेंटा है। टायरोसिन में टीवाई आ रहा है तो थायरॉयड तो इसका मेन है ही है, ट्राई आइडोथायरोनिन, वैसे भी आप टी3 टी4 याद करते हो तो उसके हार्मोन के नाम पर भी याद रख सकते हो। और आपका एड्रिनल मेड्यूलरी हार्मोन्स, ठीक है, तो एड्रिनल मेड्यूला से हमारे क्या निकलते हैं, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन या आपका एड्रिनलाइन और नॉर एड्रिनलाइन, ठीक है। तो अब जरा इसको लिस्ट को हम दोबारा से देख, तो कल मैंने आपको बताया था पिट्यूटरी के हार्मोन फ्लैट पीजी, GTAFLP, है ना, फ्लैट पीजी, एक ही टीमोनिक में आ जाएंगे ये सारे के सारे, फ्लैट पीजी। तो ये सारे के सारे छह हार्मोन कहां से निकलते हैं, पिट्यूटरी से, GTSH, ACTH, FSH, LH, ठीक है। पोस्टियर पिट्यूटरी से कौन से दो निकलते थे, ADH और ऑक्सीटोसिन वैसोप्रेसिन, ठीक है। तो ये कहां के हो गए, ये एंटीरियर पिट्यूटरी के हो गए, ये दोनों के दोनों किसके हो गए, पोस्टियर पिट्यूटरी के हो गए, ठीक है। इसके बाद इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमेटोस्टेटिन, पैनक्रियास कहां से निकलते हैं, पैनक्रियास से। कैल्सिटोनिन पैराथायरॉइड से, और HCG और HC सोमेटोमेमोट्रोफिन ये दोनों कहां से निकलते थे, प्लासेंटा से। तो ये कल की वीडियो अगर आपने देख ली है, पहली वीडियो, फर्स्ट वीडियो, तो उसमें आपको ये और क्लियर हो जाएंगे। तो ये सारे के सारे कैसे हैं, प्रोटीन, ठीक है, ये कैसे हैं, प्रोटीन। इसके बाद डेरिवेटिव्स ऑफ टायरोसिन देखें, तो डेरिवेटिव्स ऑफ टायरोसिन में कौन कौन आ जाता है, थायरोक्सिन T4, ट्राई आइडोथायरोन T3, एड्रिनलाइन, नॉर एड्रिनलाइन और डोपामाइन, ठीक है। यानी इसको एपिनेफ्रिन भी याद कर सकते हो आप और नॉर एपिनेफ्रिन भी याद कर सकते हो। तो ये हो गया हमारे डेरिवेटिव्स ऑफ टायरोसिन। इसमें ज्यादातर बच्चे भूल जाते हैं डोपामिन, तो डोपामिन को याद कर लो। देखो टायरो के TY से थायरॉइड के हार्मोन तो याद रह जाएंगे, TY, मेन है आपका ALD, ठीक है, एड्रिनलाइन, नॉन एड्रिनलाइन, डोपामाइन, तो ये इसके टायरोग्राम, ठीक है, या ANDयाद कर लो, या आप ऐसे याद कर सकते हो TDNA, TRNA तो सुना ही होगा, TDNA, तो D फॉर डोपामाइन, नॉन एड्रिनलाइन और एड्रिनलाइन, जो भी आपको निमोनिक सही लगता है उस तरीके से इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है, जो सेकंड टॉपिक था, हार्मोनल एक्शन, ठीक है, हार्मोनल एक्शन क्या होता है इसको समझते हैं। तो हार्मोन डज नॉट डायरेक्टली एक्ट ऑन द टारगेट, कभी भी हार्मोन डायरेक्टली एक्ट नहीं करेगा, फर्स्ट इट कंबाइन विद द रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द टारगेट सेल एंड फॉर्म हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। कई बुक्स में इसको HR कॉम्प्लेक्स लिखा रहता है, याद रखना HR कॉम्प्लेक्स, NCERT तक में लिख रखा है, 12th क्लास की में अगर आप पढ़ते हो, नीट में आपने पढ़ा होगा, तो HR कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। दिस हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इंड्यूस वेरियस चेंजेस और रिएक्शन इन द टारगेट सेल, और उस टारगेट सेल के अंदर ये क्या करेगा, या तो कोई केमिकल चेंज करेगा या उस टारगेट सेल के अंदर कोई ना कोई रिएक्शन को शुरू करा देगा। अब बात करते हैं, यहाँ पर हम रिसेप्टर की बात करेंगे, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स में मेन क्या है, हार्मोन के रिसेप्टर्स कौन से हैं। तो हार्मोन रिसेप्टर्स आर लार्ज प्रोटीन, याद क्या रखना है, काय के बने होते हैं रिसेप्टर्स, ऑलवेज प्रोटीन के, जबकि लिपिड, किसी सेल की मेम्ब्रेन किसकी होती है, बाइलेयर लिपिड मेम्ब्रेन होती है, उसके बीच में क्या होते हैं, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, रिसेप्टर की तरह, प्रेजेंट इन द टारगेट सेल, ईच सेल हैज 1000 ऑफ रिसेप्टर्स,
इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रिसेप्टर इज दैट ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक फॉर अ सिंगल हार्मोन। ये याद रखना है, हर एक रिसेप्टर एक सिंगल हार्मोन के लिए ही आपको एक्शन करके दिखाएगा। ऐसा नहीं कोई भी हार्मोन आकर किसी भी रिसेप्टर से अटैच हो जाए। ईच रिसेप्टर कैन कंबाइन विद ओनली वन हार्मोन। इस लाइन को अच्छे से दिमाग में बिठा लो, वाइवा में पूछ लेते हैं। दस हार्मोन कैन एक्ट ऑन टारगेट सेल ओनली इफ द टारगेट सेल हैज रिसेप्टर फॉर पर्टिकुलर हार्मोन। और कोई भी हार्मोन किसी टारगेट सेल पर तभी एक्ट करेगा जब उस टारगेट सेल के पास उसका पर्टिकुलर क्या होगा, रिसेप्टर होगा। ठीक है, जान पहचान होगी। आप गेट उसी के लिए खोलोगे ना, जान पहचान इंसान के लिए, वरना अंदर से पूछ लो कौन है भाई गेट पर, ठीक है, अंदर से ही जवाब दे दोगे। लेकिन कोई जान पहचान वाला होता है, यानी जान पहचान यानी आप बने रिसेप्टर, आपने घर का गेट खोला तभी तो आप उसको अंदर एंट्री आने दोगे। या मान लो कोई इन्फॉर्मेशन लाया वो अंदर नहीं आना चाहता, सीधा आपको कार्ड देकर चला गया, लो भाई मेरी शादी में आ जाना, ठीक है, अंदर नहीं, आपने बोला आ जाओ चाय भाई पी के जाना, लेकिन वो नहीं आया, उसने कहा लो ये शादी का कार्ड देना था, अभी मुझे और कार्ड बांटने में जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये दो तरीके हो गए, यानी एक इन्फॉर्मेशन को देकर चला गया और एक अंदर आकर बैठा आपके घर में। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको दिमाग में रखना है। सिचुएशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर। द हार्मोन रिसेप्टर आर सिचुएटेड आइदर ऑन द सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ऑफ टारगेट सेल। तीनों जगह पर रिसेप्टर हो सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन पर हो सकते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर हो सकते हैं, या न्यूक्लियस में हो सकते हैं टारगेट सेल के। अगर सेल मेम्ब्रेन में होंगे, जरा उसको पढ़ लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर ऑफ प्रोटीन हार्मोन एड्रिनल मेड्यूलरी हार्मोन दैट इज कॉल्ड कैटेकोलेमाइंस आर सिचुएटेड इन द सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म में रिसेप्टर ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन आर सिचुएटेड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ टारगेट सेल। न्यूक्लियस रिसेप्टर ऑफ थायरॉयड हार्मोन आर इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ये याद रखना है, थायरॉयड हार्मोन कैसा था हमारा, टायरोसिन डायरेक्टेट, कहाँ पर एक्ट करता है, न्यूक्लियस पर। साइटोप्लाज्म पर कौन एक्ट करता है, स्टीरॉयड हार्मोन कहाँ करते हैं हमारे, साइटोप्लाज्म से शुरुआत करते हैं। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन पर कौन से करते हैं, प्रोटीन हार्मोन और एड्रिनल मेड्यूलरी हार्मोन। ठीक है, एड्रिनल मेड्यूला से निकलने वाले हार्मोन्स कहाँ पर काम करते हैं, ये काम करते हैं आपके किस पर, सेल मेम्ब्रेन पर। ठीक, इसके बाद देखते हैं हार्मोन रिसेप्टर रेगुलेशन, यानी जो रिसेप्टर है ये रेगुलेट कैसे होते हैं। रेगुलेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर, तो देखिए रिसेप्टर प्रोटीन्स आर नॉट स्टैटिक कंपोनेंट ऑफ द सेल, देयर नंबर इंक्रीज और डिक्रीज इन वेरियस कंडीशन। ऐसा नहीं है रिसेप्टर फिक्स हो गए कि भाई 25 से खड़े हुए हैं एक बॉर्डर पे तो 25 ही होंगे, ये बढ़ते घटते रहते हैं। जनरली व्हेन हार्मोन इज सिक्रेटेड इन एक्सेस द नंबर ऑफ रिसेप्टर ऑफ हार्मोन डिक्रीजेस ड्यू टू बाइंडिंग ऑफ हार्मोन विद रिसेप्टर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाउन रेगुलेशन। ये रेगुलेशन का एक तरीका है। ड्यूरिंग द डिफिशियंसी ऑफ हार्मोन द नंबर ऑफ रिसेप्टर्स इंक्रीजेस विच इज कॉल्ड अप रेगुलेशन। ठीक है, यानी किसी सेल के अंदर बहुत ज्यादा हो गया हार्मोन का, क्या बोलते हैं उसको, हार्मोन का कंसेंट्रेशन किसी सेल के अंदर ज्यादा इकट्ठा हो गया तो वो अपने रिसेप्टर्स को कम कर देगा सरफेस पर, जिससे कि जब से जो अंदर आ चुके हैं पहले उनका मेटाबॉलिज्म हो जाए, और अगर उसके अंदर कमी होगी तो ज्यादा से ज्यादा रिसेप्टर्स को अपने सरफेस पर वो बढ़ा देगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा वो रिसेप्टर हार्मोन को पकड़कर अंदर ला सके। तो जो कम करना होता है उसको डाउन रेगुलेशन बोलते हैं, और जब रिसेप्टर्स को बढ़ाना होता है तो उसको अप रेगुलेशन बोलते हैं। ठीक है, द हॉर्मोन्स इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स एंटर द टारगेट सेल बाई मीन ऑफ एंडोसाइटोसिस एंड एग्जीक्यूट द एक्शन। तो हार्मोन किस जो रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा वो कौन सी प्रोसेस से अंदर जाएगा, एंडोसाइटोसिस। द होल प्रोसेस इज कॉल्ड इंटरनलाइजेशन, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जिसके थ्रू हार्मोन अंदर जाता है उसको बोलते हैं इंटरनलाइजेशन। आफ्टर इंटरनलाइजेशन सम रिसेप्टर्स आर रिसाइकल्ड वेयर मेनी ऑफ देम आर डिग्रेडेड एंड न्यू रिसेप्टर्स आर फॉर्म्ड। फॉर्मेशन ऑफ न्यू रिसेप्टर टेक्स अ लॉन्ग टाइम, सो द नंबर ऑफ रिसेप्टर डिक्रीज व्हेन द हार्मोन लेवल इंक्रीज। देखिए यही अभी मैंने आपको समझाया था, अपग्रेड लेवल डाउनग्रेड लेवल में यही बात थी, नंबर ऑफ रिसेप्टर डिक्रीज व्हेन द हार्मोन लेवल इंक्रीज एंड नंबर ऑफ रिसेप्टर इंक्रीज व्हेन द हार्मोन लेवल डिक्रीज। सेम जो ये पैराग्राफ मैंने बताया इसके ऊपर ये डायग्राम भी दे रखा है, इसको भी आप समझ सकते हैं। सिचुएशनल ऑफ हार्मोन रिसेप्टर, देखिए स्टीरॉयड हार्मोन का रिसेप्टर कहाँ होता है, साइटोप्लाज्मिक में, साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। ठीक है, थाए और प्रोटीन हार्मोन और कैटेकोलेमाइंस, ठीक है, इनके में कहाँ होते हैं, मेम्ब्रेन पर, सेल मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर है, और सेल मेम्ब्रेन पर ये रिसीव करने के बाद किसको दे देगा, सेकेंड मैसेंजर,
ये सेकंड मैसेंजर क्या कराएगा, एंजाइम का एक्टिवेशन कराएगा। तो ये प्रोसीजर होता है, इसमें मोड ऑफ एक्शन इसका ये रहेगा, ये साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर से अटैच होगा और कहाँ एक्ट करेगा बाद में फाइनली जाके न्यूक्लियस पर। जबकि थायरॉयड हार्मोन कहाँ होते हैं, थायरॉयड हार्मोन के रिसेप्टर किस पर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर, है ना, ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर इसके रिसेप्टर होंगे। तो ये कहाँ आ जाएगा, न्यूक्लियर रिसेप्टर के थ्रू अंदर आ गया और डीएनए के साथ अटैच हो गया। यहाँ पर डीएनए के बाद फिर क्या बनता है, डीएनए से जब प्रोटीन बनानी होती है तो मैसेंजर आरएनए बनता है पहले, ठीक है, फिर मैसेंजर आरएनए के बाद प्रोटीन सिंथेसिस, यानी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वाली प्रोसीजर आपको दिमाग में पर रखनी है, ठीक है। चलिए, सेम जो थ्योरी भी हमने पढ़ी थी इस डायग्राम के थ्रू भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कॉपी में अपने एग्जाम लिखते समय, ठीक है। नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, यानी अब हम देखेंगे कि ये तीनों हार्मोन जो हैं, चाहे स्टीरॉयड हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे टायरोसिन हो, ये अपना एक्शन करते कैसे हैं, मतलब सेल से अपनी मनमर्जी का काम करवाते कैसे हैं, उस प्रोसीजर को हमें सीखना पड़ेगा। तो हार्मोन डज नॉट एक्ट ऑन टारगेट सेल डायरेक्टली, इट कंबाइंड विद रिसेप्टर टू फॉर्म हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। तो इस लाइन को तो बिल्कुल रट लो कि सबसे पहले कुछ भी हो वो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। दिस कॉम्प्लेक्स एग्जीक्यूट द हार्मोनल एक्शन बाई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म, और इनमें से वो ये जो हार्मोन एचआर कॉम्प्लेक्स है, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स, एचआर कॉम्प्लेक्स, इनमें से कोई भी रास्ता अपना सकता है अपना काम करवाने के लिए। क्या क्या, बाई ऑल्टरिंग द परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, की परमेबिलिटी को चेंज कर दे, बाई एक्टिवेटिंग द इंट्रासेल्यूलर एंजाइम, अंदर के एंजाइम को, अंदर जो सेल के अंदर जो एंजाइम है उनको एक्टिवेट करा दे। जैसे किसने कराया था अभी, प्रोटीन वाले ने कराया था ना, इस डायग्राम में आपने देखा था अभी, सेकेंड मैसेंजर वर्ड लिखा हुआ था ना, सेकेंड मैसेंजर विल एक्टिवेट द एंजाइम एक्टिवेशन, देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है डायग्राम में, दिख रहा है आपको, सेकेंड मैसेंजर, क्लियर, सेकेंड मैसेंजर, फिर बाद में और दूसरे एंजाइम्स के थ्रू बाकी को एक्टिवेट कराएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला हमें क्या सीखना है, बाय ऑल्टरिंग द परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो द न्यूरो ट्रांसमीटर्स इन द साइनेप्स और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एक्ट बाय चेंजिंग द परमेबिलिटी ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा जब नीट की तैयारी की होगी, कि जैसे कोई एक न्यूरोन है, ये उसके टर्मिनल एंड है, ठीक है, और ये दूसरा न्यूरोन है, ये उसकी प्रोसेसेस है, इन दोनों के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं, जो मैं येलो कलर से बना रहा हूं, साइनेप्स, ठीक है। तो यहां से ये क्या रिलीज करता था, कैल्शियम आयन की वजह से, यहां पर इसी स्पेस में ACH, ठीक है, और यहां पर क्या गेट होते थे, वोल्टेज गेटेड चैनल्स, सोडियम जल, तो एंटी एसिटाइल कोलिन रिलीज होने से क्या होता था, यहां पर ये केमिकल कौन से गेट होते थे, लाइजेंड गेटेड, कौन से, लाइजेंड आपने पढ़े होंगे, तो ये केमिकल गेट खोलने से यहां पर क्या होता है, परमेबिलिटी चेंज हो जाती थी, सोडियम गेट ओपन हो जाते थे और अंदर क्या हो जाता था, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम, यानी इंफॉर्मेशन यहां से यहां पहुंच जाती थी, क्लियर, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम होता था किसकी वजह से, एसिटाइल कोलिन की वजह से। तो केमिकल मैसेंजर ही काम कर रहे थे ना, यहां पर परमेबिलिटी किसने चेंज करी, एसिटाइल कोलिन ने, उसकी वजह से क्या हुआ, सोडियम चैनल्स खुल गए, सोडियम चैनल के अंदर आते ही क्या हो गया, इसकी परमेबिलिटी चेंज हुई, इसका चार्जेस पोलराइजेशन हुआ, ठीक है, तो जब डीपोलराइज से पोलराइज स्टेट में आया तो ये इन्फॉर्मेशन एक से दूसरे सेल में आ गई, यही नर्व से मसल में हुआ था, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वाला टॉपिक अगर आपको याद हो तो ये एक तरीका है इन्फॉर्मेशन को एक से दूसरी जगह पहुंचाने का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन व्हेन द इम्पल्स और एक्शन पोटेंशियल रीचेस टू द एक्सॉन टर्मिनल ऑफ मोटर नर्व, एसिटाइल कोलिन इज रिलीज फ्रॉम द वेसिकल्स, द एसिटाइल कोलिन इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ फॉर सोडियम बाई ओपनिंग द लाइजेंड गेटेड सोडियम चैनल। यही होता था, याद आ गया होगा आपको, अगर 11th में आपने ये पढ़ा होगा ठीक से, नर्व टू नर्व कंडक्शन, नर्व टू मसल कंडक्शन, तो ये वहां पढ़ाया जाता है, बेसिक वही बेसिक आपको याद रखना है, वही यहां पर काम आता है, ठीक है। सो द सोडियम आयन्स एंटर्स इनटू द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन फ्रॉम द ECF थ्रू द चैनल एंड कॉज डेवलपमेंट ऑफ एंड प्लेट पोटेंशियल, ठीक है, एंड प्लेट पोटेंशियल, इसको हटा दीजिए, यहां तक याद रखिए बस आप। तो ये जैसे ये मसल है, मसल पर ये क्या आया, नर्व आई, ये मसल है, तो यहां से क्या आया, इसमें एसिटाइल कोलिन,
एसिटाइल कोलिन होने से क्या हुआ, इसकी परमिएबिलिटी बढ़ गई किसके लिए, सोडियम के लिए। सोडियम अंदर आते ही क्या हुआ, इसका चार्ज रिवर्स हो गया, तो इसका क्या हो गया, पोलराइज स्टेट में थी डीपोलराइज हो गई है, यही तो बोला जाता है, पोलराइज स्टेट में थी डीपोलराइजेशन हो गया। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में। दूसरा तरीका क्या था हमारा बेटा, दूसरा तरीका था बाई एक्टिवेटिंग द, सेकेंड तरीका हमारा क्या था, बाई एक्टिवेटिंग द इंट्रासेल्यूलर एंजाइम्स, यानी या फिर ये जो एचआर कॉम्प्लेक्स है सेल के अंदर के एंजाइम्स में कुछ चेंजेस करेगा। तो प्रोटीन हार्मोन्स एंड कैटेकोलेमाइंस एक्ट बाई एक्टिवेटिंग द इंट्रासेल्यूलर एंजाइम्स। ठीक है, इसमें फर्स्ट मैसेंजर कौन होता है, देखिए द हार्मोन विच एक्ट ऑन टारगेट सेल इज कॉल्ड फर्स्ट मैसेंजर और केमिकल मीडिएटर, इट कंबाइंड विद द रिसेप्टर एंड फॉर्म हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। क्या बनाएगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, कौन, फर्स्ट मैसेंजर यानी इनिशियल हार्मोन जो इस इंफॉर्मेशन को लेकर आया। उसके बाद क्या होगा, सेकंड मैसेंजर, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट द एंजाइम्स ऑफ सेल एंड कॉज फॉर्मेशन ऑफ अनदर सब्सटेंस कॉल्ड सेकंड मैसेंजर और इंट्रा सेल्यूलर हार्मोन मीडिएटर। ये तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर एचआर कॉम्प्लेक्स था, अब ये इसके अंदर क्या बनाएगा, एक तरीके से बोल सकते हैं हम इंट्रा सेल्यूलर हार्मोनल मीडिएटर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। द सेकंड मैसेंजर प्रोड्यूस द इफेक्ट ऑफ हार्मोन इनसाइड द सेल, द प्रोटीन हार्मोन एंड द कैटेकोलेमाइन एक्ट थ्रू सेकंड मैसेंजर। ये पॉइंट याद कर लीजिए, ये हार्मोन कैसे काम करते हैं, सेकंड मैसेंजर के थ्रू। द मोस्ट कॉमन सेकंड मैसेंजर इज साइक्लिक एएमपी, नाम याद कर लो, पूछ लेते हैं वाइवा में साइक्लिक एएमपी क्या है, साइक्लिक एएमपी एक्ट एज अ सेकंड मैसेंजर, है ना, साइक्लिक एएमपी सीएएमपी और साइक्लिक एडिनोसाइड 3,5 मोनोफॉस्फेट एक्ट एज अ सेकंड मैसेंजर फॉर प्रोटीन हार्मोन एंड कैटेकोलेमाइन। तो इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं पेपर पे सीएएमपी सी स्मॉल और बाकी सब कैपिटल, या इसकी फुल फॉर्म साइक्लिक एडिनोसाइड 3,5 मोनोफॉस्फेट, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ सीएमपी, रोल ऑफ जी प्रोटीन। तो जी प्रोटीन और ग्वानोसाइन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन्स आर द मेम्ब्रेन प्रोटीन सिचुएटेड ऑन द इनर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, दीज प्रोटीन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सीएमपी। तो सीएमपी फॉर्मेशन कौन सी प्रोटीन की वजह से होती है, जी प्रोटीन की, तो ऐसे जी प्रोटीन की फुल फॉर्म क्या होती है, ग्वानोसाइन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, ईच जी प्रोटीन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ ट्राइमेरिक 3 सब यूनिट्स कॉल एल्फा बीटा गामा सब यूनिट्स, द एल्फा सब यूनिट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल एक्शन। तो कौन सी यूनिट इसकी बायोलॉजिकल एक्शन के लिए हेल्पफुल होती है, एल्फा यूनिट, जी प्रोटीन की तीन ट्राइमेरिक मतलब तीन मॉलिक्यूल से मिलकर बनाई है, एल्फा बीटा गामा। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखो, बाउंड टू द जीडीपी, इट इज बाउंड टू, ये एल्फा सब यूनिट किसके साथ, ग्वानोसाइन डाइफॉस्फेट के साथ बॉन्ड बनाएगी एंड फॉर्म एल्फा जीडीपी यूनिट। द एल्फा सब यूनिट इज ऑल्सो हैविंग द इंट्रिंसिक एंजाइम एक्टिविटी कॉल्ड जीटीपेज एक्टिविटी। अब ये जी ग्वानोसाइन डाइफॉस्फेट को अपने साथ ऐड कर रहा है, तो इसके पास कौन सा एक एंजाइम होता है, इस यूनिट के पास जीटीपेज एक्टिविटी। द बीटा एंड गामा सब यूनिट ऑलवेज बाइंड टूगेदर टू फॉर्म बीटा गामा डाइमर, और बीटा और डामा हमें गामा हमेशा साथ में होकर मिलकर क्या बनाते हैं, डाइमर। इट कैन ऑल्सो ब्रिंग सम एक्शंस इन द इनएक्टिवेटेड जी प्रोटीन, बोथ एल्फा जीडीपी यूनिट एंड बीटा गामा डाइमर्स आर यूनाइटेड। सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन फॉर्मेशन ऑफ सीएमपी कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स, द हार्मोन बाइंड टू द रिसेप्टर इन द सेल मेम्ब्रेन एंड फॉर्म द हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले हार्मोन किसके साथ जो आया है किसी सेल पर एक्शन करने, वो सबसे पहले किसके साथ अटैच होगा, उसकी सेल मेम्ब्रेन पर जो क्या है रिसेप्टर, उससे। इसकी वजह से क्या होगा, इट विल एक्टिवेट द जी प्रोटीन, द जी प्रोटीन रिलीज जीडीपी फ्रॉम एल्फा जीडीपी यूनिट। तो जो एल्फा जीडीपी सब यूनिट थी उससे वो क्या रिलीज कराएगा, जीडीपी। द एल्फा सब यूनिट नाउ बाइंड विद द न्यू मॉलिक्यूल ऑफ जीटीपी, द जीडीपी इज एक्सचेंज टू जीटीपी। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है, अभी डायग्राम के थ्रू बताऊंगा तो सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जीडीपी इज एक्सचेंज फॉर जीटीपी, दिस एक्सचेंज ट्रिगर द डिसोसिएशन ऑफ एल्फा जीटीपी यूनिट एंड बीटा गामा डाइमर फ्रॉम द रिसेप्टर, बोथ एल्फा जीटीपी यूनिट एंड बीटा गामा डाइमर्स नाउ एक्टिवेट
सेकेंड मैसेंजर पाथवे, ये किसको करेंगे एक्टिवेट, सेकेंड मैसेंजर पाथवे गिवन इन द 16.5.2 स्टेज 2। ये अभी समझेंगे क्या है। अल्फा जीटीपी यूनिट एक्टिवेट द एंजाइम एडिनाइल साइक्लेज। अभी ये किसको एक्टिवेट करेगा, कौन से एंजाइम को, अल्फा जीटीपी एंजाइम एडिनाइल साइक्लेज विच इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। मोस्ट ऑफ द एडिनाइल साइक्लेज प्रोट्रूड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल फ्रॉम इनर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। एक्टिवेटेड एडिनाइल साइक्लेज कन्वर्ट द एडिनोसाइट ट्राईफॉस्फेट ऑफ द साइटोप्लाज्म इनटू साइक्लिक एडिनोसाइट मोनोफॉस्फेट। और यही एडिनाइल साइक्लेज जो एंजाइम है ये क्या करेगा, हमारे एटीपी मॉलिक्यूल्स जो हैं साइटोप्लाज्म में उनको किसमें कन्वर्ट कर देगा, सीएएमपी यानी साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट में, साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट में। व्हेन द एक्शन इज ओवर अल्फा सब यूनिट हाइड्रोलाइज अटैच जीटीपी टू द जीडीपी बाय इट्स जीटीपेज एक्टिविटी। दिस अलाउज द यूनियन ऑफ अल्फा सब यूनिट विद बीटा डाइमर एंड कॉमेंसिंग अ न्यू साइकिल। और ये इस तरीके से रिसाइकल होता रहेगा, थोड़े टाइम के लिए ये जीटीपी यूनिट के साथ जुड़ेगा लेकिन बाद में अपने पास इसके पास एक एंजाइम था जीटीपेज, उसकी वजह से फिर से उससे अलग हो जाएगा। ठीक है, एक्शन ऑफ सीएएमपी। अब ये सीएएमपी क्या कराएगा सेल के अंदर वो देखते हैं। साइक्लिक एएमपी एग्जीक्यूट द एक्शन ऑफ हार्मोन इनसाइड द सेल By stimulating the enzymes like protein kinase A। और ये cyclic AMP किसको activate कराएगा, protein kinase A। तो अगर आप ये सारा कुछ याद नहीं भी कर रहे हैं, नहीं भी समझ पा रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस इतना याद कर लीजिए कि cyclic AMP हमारा second messenger है और ये second messenger क्या करवाएगा, हमारे कौन से enzyme को activate कराएगा, stimulate कराएगा, protein kinase A को। लेकिन मैं फिर एक कोशिश करता हूँ ये सारी जो फॉर्मेशन ऑफ सीएएमपी की प्रोसेस थी इसको समझाने की आपको। ठीक है, देखिए इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। फिगर 16.5 मोड ऑफ एक्शन ऑफ प्रोटीन हार्मोन एंड कैटेकोलेमाइन। एच फॉर हार्मोन, आर फॉर रिसेप्टर, अल्फा बीटा गामा जी प्रोटीन, जीडीपी गुआनोसाइन डाइफॉस्फेट, जीटीपी गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ईसीएफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर फूड, सीएमपी साइक्लिक एडिनोसाइन फॉस्फेट एंड एटीपी एडिनोसाइट। तो स्टेज वन में क्या रहा, यह हार्मोन था, हार्मोन किससे आके अटैच हुआ, ये क्या है, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये इसके साथ आके अटैच हुआ, यहां पर अटैच होते ही ये क्या था, अल्फा यूनिट बीटा ट्राइमेरिक मॉलिक्यूल था ये। ठीक है, तो यहां पर ये रिसेप्टर है एच आर, ये रिसेप्टर है ट्राइमेरिक और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, जीडीपी। तो ये कहां पर है, सेल मेम्ब्रेन में, ये मैंने पहले ही बता दिया, ये पूरा ये जो डार्क एरिया ये कौन सा है, ये है आपका सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद क्या हुआ, ये कन्वर्ट हो जाएगा, इसके जीडीपी अटैच होते ही ये बीटा और गामा सब यूनिट इससे अलग हो जाएगी और यहां पर क्या बचेगा, जीटीपी इसके साथ। ठीक है, क्योंकि ये कहां, यहां से क्या यूज कर लेगा, एटीपी को। तो फिर यहां पर कौन सा एंजाइम ये सीक्रेट करेगा, एडिनाइल साइक्लेज। अब ये एडिनाइल साइक्लेज इस साइटोप्लाज्म में रहने वाले, ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में जो एटीपी पहले से मॉलिक्यूल, एटीपी के मॉलिक्यूल्स हैं उनको ये एडिनाइल साइक्लेज किस पर कन्वर्ट कर देगा, सीएएमपी यानी साइक्लिक एएमपी में, जो कि क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर। और ये सीएएमपी किसको स्टिमुलेट करेगा, प्रोटीन काइनेज ए को, और ये प्रोटीन काइनेज ए क्या लाएगा, उस सेल के अंदर जो उसको वर्क करवाना है यानी रेस्पॉन्स। क्लियर, देखिए यही हमने यहां पर थ्योरी में पढ़ा था, अगर आप ध्यान से देखें तो हमने क्या पढ़ा था यहां पर, यहां से पढ़िए, फोर्थ पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, द अल्फा सब यूनिट नाउ बाइंड विद द न्यू मॉलिक्यूल ऑफ जीटीपी। ठीक है, द जीडीपी इज एक्सचेंज टू द जीटीपी, तो जीडीपी हट गया और यहां पर एक नया मॉलिक्यूल अल्फा के साथ आगे जुड़ गया, कौन, जीटीपी। दिस एक्सचेंज ट्रिगर द डिसोसिएशन ऑफ अल्फा जीटीपी यूनिट बाय बीटा गामा डाइमर। अब ये दोनों देखो डिसोसिएट हो चुके ना, ये यहां तीनों साथ थे लेकिन यहां डिसोसिएट हो चुके। तो यानी आप इस थ्योरी को पढ़ेंगे, इसको एक जगह लिख कर देखेंगे, फिर इस डायग्राम को बनाएंगे तो आपको पूरा ठीक से क्लियर हो जाएगा। अगर ना हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं दोबारा से फिर आपको इसको पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलिए
अब ये साइक्लिक एएमपी जिसने क्या करवाया था, साइक्लिक एएमपी ने उस एंजाइम को स्टिमुलेट करा दिया, डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन ऑफ टारगेट सेल थ्रू दीज एंजाइम्स द रेस्पॉन्स प्रोड्यूस बाई सी एएमपी, सी एएमपी प्रोड्यूस वन और मोर द फॉलोइंग रेस्पॉन्स, क्या करवाता है ये, कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल फाइबर, वो भी इसी के थ्रू होता है। सेकंड मैसेंजर कौन है यहाँ पर, साइक्लिक एएमपी। अल्टरेशन इन द परमिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, की परमिबिलिटी को चेंज करा देता है। सिंथेसिस ऑफ सब्सटेंस इनसाइड द सेल, सिक्रीशन और रिलीज ऑफ सब्सटेंस बाय द टारगेट सेल एंड अदर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द टारगेट सेल। तो ये इतने सारे फंक्शन कराता है साइक्लिक एएमपी, जो कि हमारा क्या था, सेकेंडरी, क्या था हमारा, सेकेंडरी मैसेंजर। ठीक है, यानी बाहर की इंफॉर्मेशन को घर में अंदर लेकर आया सेल के अंदर, और वहां पर किसकी हेल्प से, ये देखिए कौन से एंजाइम की हेल्प से, प्रोटीन काइनेज की हेल्प से इसने अपने फंक्शंस को करवाया, क्योंकि ये किसको स्टिमुलेट कराता है सेल के अंदर, प्रोटीन काइनेज को, जो इसके मन मर्जी के वर्क कराता है। अच्छा, क्या अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या एक ही हमारे पास सेकेंडरी मैसेंजर है? नहीं, ऐसा नहीं है, अदर सेकेंडरी मैसेंजर भी हमारे पास है। अदर सेकेंडरी मैसेंजर कौन कौन है, इन एडिशन टू सी एम पी सम अदर सब्सटेंस ऑल्सो एक्ट लाइक अ सेकेंड मैसेंजर, सम ऑफ द हार्मोन्स इन टारगेट सेल लाइक, कौन कौन है देखिए, कैल्शियम आयन एंड कैलमोड्यूलिन। कैल्शियम आयन किस में होते हैं, हमारे स्केलेटल मसल में होते हैं, ये भी आपने पढ़ा हुआ है 11th में, और कैलमोड्यूलिन कहाँ होता है, हमारी स्मूथ मसल्स में होते हैं, जहाँ पर क्या कहते हैं, हमारे बाकी की प्रोटीन्स की कमी होती है, वहाँ पर कौन काम कराता है, कैलमोड्यूलिन। ठीक है, इसके अलावा इनोसिटॉल ट्राईफॉस्फेट, ये भी हमारा सेकेंडरी मैसेंजर है। ठीक है, और क्या है, डाई एसाइल ग्लिसरॉल, ये भी हमारा सेकेंडरी मैसेंजर की तरह एक्ट करता है। ठीक, तो ये क्या है, कहाँ यूज होते हैं, ये तो हम कंसर्न फिजियोलॉजी में जब पढ़ेंगे तो आपको वहां समझ में आ जाएंगे, कि जब हम कंसर्न हार्मोनल एक्शन पढ़ेंगे कि वो बॉडी पे कैसे काम कर रहा है, तब ये हमारी समझ में आ जाएंगे। बस अभी के लिए बस आप इनका नाम याद रखिए, कौन कौन से हैं, सी एम पी के अलावा एक ये है, तो ये सेकेंड है ना, एक ये थर्ड है और ये फोर्थ है, इंक्लूडिंग द सी एम पी। अगर मैं बोलूँ तो कैल्शियम कहाँ आता है, हमारे स्केलेटल मसल में। ठीक है, और कैलमोड्यूलिन कहाँ आता है हमारा, देखो यहाँ लिखा भी लाइन, इन द स्केलेटल मसल कैल्शियम आयन बाइंड टू द ट्रोपोनिन सी विच इज सिमिलर टू कैलमोड्यूलिन। और कैलमोड्यूलिन हमें कहाँ मिलती है, ये हमें मिलती है कहाँ पर, स्मूथ मसल में। तो कंसर्न चैप्टर में हम इन सबको डिस्कस करेंगे, इसमें अभी डिस्कशन करके अपने आप को कन्फ्यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही ये होता है इनोसिटॉल ट्राईफॉस्फेट या IP3, इट इज़ फॉर्म फ्रॉम द फॉस्फेटाइड डाइलेन ऑस्टियोल बाईफॉस्फेट, है ना, PIP2 इससे बनता है। ठीक है, लेकिन कहाँ काम आएगा ये हम कंसर्न चैप्टर में पढ़ लेंगे, तो यहाँ पर आप अपनी टेंशन मत बढ़ाओ, अभी आपके ऊपर से निकल रहे होंगे दो तीन चीज़ें, आपको एक दो बार रिवाइंड करके वीडियो देखनी पड़ेगी, लेकिन ये क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, कैल्शियम, बस अभी नाम याद रखो, कैल्शियम आयन, आइनोसिटॉल और डाई एसाइल ग्लिसरॉल, है ना, ये सब के सब क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर है। कंसर्न फिजियोलॉजी के जो चैप्टर हैं जहाँ ये एक्शन करते हैं, वहाँ पर इनकी फिजियोलॉजी में दोबारा से बता दूंगा, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और एक और हो गया, देखिए पांचवा हम भूल ही गए, फिफ्थ, ये भी है एक CGMP। ठीक है, ये भी कैसे काम करता है, ये CAMP की तरह ही काम करता है, लाइक CAMP एक्टिंग ऑन प्रोटीन काइनेज ए, इतना याद कर लो, ये भी प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट कराता है, जबकि डाइग्लिसरॉल किसको कराता है, प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट कराता है, ये इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन काइनेज बी कुछ नहीं होता, याद रखना, प्रोटीन काइनेज बी कुछ नहीं होता, प्रोटीन काइनेज ए होता है या प्रोटीन काइनेज सी होता है, जो अपने यहाँ काम आने वाला है। ठीक है, उसके बाद अपना तीसरा मोड ऑफ एक्शन क्या था, बाई एक्टिंग ऑन द जीन्स, थायरॉयड एंड स्टीरॉयड हार्मोन्स एग्जीक्यूट देयर फंक्शन बाई एक्टिंग ऑन द जीन्स इन द टारगेट सेल, ये टारगेट सेल पर जीन्स पर एक्ट करते हैं। सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या रहेगा इसमें देख लेते हैं, हार्मोन एंटर द इंटीरियर ऑफ सेल बाइंड टू द रिसेप्टर इन साइटोप्लाज्म, स्टीरॉयड हार्मोन का रिसेप्टर कहाँ होते हैं, स्टीरॉयड हार्मोन के साइटोप्लाज्म में, और इन द न्यूक्लियस, किसके, थायरॉयड के कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में, ये पहले ही बता दिया गया, स्टीरॉयड के रिसेप्टर कहाँ है, साइटोप्लाज्म में और थायरॉयड के न्यूक्लियस में, एंड फॉर्म हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, द हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स मूव्स टुवर्ड्स द डीएनए एंड बाइंड विद डीएनए, दिस इंक्रीज द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ मैसेंजर आरएनए,
द मैसेंजर आरएनए मूव्स आउट ऑफ द न्यूक्लियस एंड रीचेस टू द राइबोसोम्स एंड एक्टिवेट्स सेल. एक्टिवेटेड राइबोसोम प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन. दीज प्रोटीन प्रोड्यूस फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स इन द टारगेट सेल. तो ये तो बहुत ही सिंपल है, जाकर किससे अटैच हो जाएगा, डीएनए के साथ अटैच हो जाएगा. कौन कौन? थायराइड का हार्मोन और स्टीरॉयड हार्मोन. लेकिन याद रखना इनके रिसेप्टर अलग अलग जगह होते हैं. मतलब अगर मैं बात करूँ थायराइड के रिसेप्टर की तो वो कहाँ? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास होगा. और इसकी बात करूँगा स्टीरॉयड की तो वो कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म के पास. तो देखिए ये साइटोप्लाज्म का ही डायग्राम दिखाया गया है इन्होंने. साइटोप्लाज्म है ये पूरा का पूरा क्या है? साइटोप्लाज्म है. और ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, एचआर कॉम्प्लेक्स. तो एचआर कॉम्प्लेक्स कहाँ बना? साइटोप्लाज्म के अंदर. फिर ये एचआर कॉम्प्लेक्स इसके साथ जाकर अटैच हुआ डीएनए के साथ. डीएनए ने क्या बनाया? आरएनए बनाया, मैसेंजर आरएनए. ठीक है, मैसेंजर आरएनए से क्या बना? ये बाहर निकल कर आया साइटोप्लाज्म में. साइटोप्लाज्म में राइबोसोम ने इससे क्या बनाया? प्रोटीन. और प्रोटीन ने अपना मनमाफिक रिस्पॉन्स कराया या फंक्शन कराए. तो ये इस तरीके से काम होगा. क्लियर? यहाँ पर एचआर हार्मोन कौन कौन से हो सकते थे? या तो स्टीरॉयड होगा, है ना, स्टीरॉयड होगा तो उसका एचआर कॉम्प्लेक्स कहाँ बनेगा? साइटोप्लाज्म में. और दूसरा क्या? और दूसरा कौन सा हो सकता है आपका? थायराइड. तो थायराइड का रिसेप्टर कहाँ होगा? यहाँ पर, इसमें. ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है. आई होप आपको 50% बातें भी अगर समझ में आ रही हैं तो दूसरी बार जब वीडियो देखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट आपके लिए नया है तो थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है, तो दूसरी बार जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, 100% याद हो जाएगा. वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा. थैंक यू.